चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग को आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं। आज ये 6th लेक्चर है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। अगर पहले के 5 लेक्चर्स, स्पेशली पिछला लेक्चर जिसमें हम लोगों ने चांसेस और प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, वो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख लीजिए ताकि यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सब कुछ बहुत इजीली सीखते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को हायर लेवल तक लेके जाते हैं ताकि आपके बेसिक्स भी बिल्कुल क्लियर हो और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस भी आप लोग समझ से अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, बट उससे पहले एक क्विक रिकैप, एक छोटी सी चीज़ का जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आज का पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी पे ही बेस्ड है। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है मैथमेटिकल, जिसमें हमने देखा था प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती है। मतलब जब भी हम लोग कोई इवेंट करेंगे, जैसे कि हमने टॉसिंग अ कॉइन किया, तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 2। ऐसे ही फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, जैसे आपने कहा कि हेड आने की क्या चांस है, तो हेड जो कि सिर्फ एक ही बार आ सकता है वो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। ऐसे ही हमने डाइस का एग्जांपल देखा था कि अगर मैं कहूँ कि एक डाइस को जब रोल किया जाए तो इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखो डाइस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, 1 से लेके 6 तक सारे नंबर कुछ भी आ सकता है जब हम लोग डाइस रोल करेंगे, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, सारे इवन नंबर्स जो आ सकते हैं, तो कौन कौन सा इवन नंबर आ सकता है जब हम लोग डाइस को रोल करेंगे, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। यहाँ पर बात हो रही है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, 2, 4 और 6, मतलब 3। 2, 4 और 6 नंबर वाइज अगर इनकी बात करें तो ये 3 अलग अलग नंबर हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3, टोटल आउटकम्स हो गए 6, 3/6 मतलब कि कैंसिल करके 1/2 जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हमें सिर्फ आउटकम्स बताने हैं, प्रोबेबिलिटी भी नहीं निकालनी है। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स, दो एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं हमें यहाँ पर, एक ए और ये दूसरा। पहला एक्सपेरिमेंट है स्पिनिंग अ व्हील, जब आप इस व्हील को स्पिन करोगे, जैसे आपने कहीं पे देखा हो शायद ऑनलाइन कोई गेम खेलते हुए या ऑफलाइन भी, स्पिनिंग व्हील का गेम होता है ना, एक यहाँ पर एरो ऐसी बनी होती है वो किसी एक पे आकर रुक जाती है, और फिर जिस पे आके रुकती है उसके अकॉर्डिंग आपको टास्क करना होता है या फिर जो भी प्राइस वगैरह होता है वो अपना रिसीव करना होता है। तो स्पिनिंग अ व्हील, ये व्हील हमें दे रखा है और हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जब आप इस व्हील को घुमाएंगे तो क्या क्या आ सकते हैं, एक तो बी पे रुक सकता है आके, सी पे रुक सकता है आके, डी पे रुक सकता है, ए पे रुक सकता है, और ये भी ए है, तो दोनों में से किसी एक भी बार आप ए लिख दोगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब जब आपसे टोटल नंबर अगर पूछेगा, यहाँ तो उसने सिर्फ बोला है कि बता दो क्या क्या आउटकम्स हैं, तो ये 4 आउटकम्स हैं। तो टोटल नंबर में आप ए को 2 बार नहीं जोड़ोगे, एक ही बार जोड़ोगे, क्योंकि ए तो ए है, 2 बार लिखा है तो क्या हो गया, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपकी हो गई 4। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गई 4, ए को 2 बार नहीं जोड़ेंगे। हालांकि जब ए के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तब फेवरेबल आउटकम्स में ए को 2 बार जोड़ेंगे, क्योंकि ए 2 बार लिखा है, लेकिन टोटल में हमेशा आप इसको टोटल में हमेशा ए बी सी डी जब इस तरह से अलग से पूछेंगे तब 4 ही लिखोगे। अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे ए के आने की, तब आप कैसे निकालोगे, ए कितनी बार आ सकता है, 2 जगह लिखा है 2 बार आ सकता है। अब जब आप टोटल नंबर लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, तब 5 लिखोगे प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त, लेकिन अगर आपसे टोटल पॉसिबल आउटकम्स पूछेगा तो वो 4 हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ए को यहाँ पर आप 2 बार नहीं लिखेंगे। ऐसे ही अगर हमसे टॉसिंग टू कॉइन्स की बात करेंगे, तो 2 कॉइन्स को उछालने पे क्या होगा, देखो एक कॉइन को हम उछालते हैं तब या तो हेड आ जाता है या फिर टेल आ जाता है, लेकिन जब 2 कॉइन्स को उछालेंगे तब क्या क्या हो सकता है, अगर सोचने की कोशिश करें तो हो सकता है कि दोनों कॉइन में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों कॉइन में टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले में हेड और दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले में टेल और दूसरे में हेड आ जाए। तो ये जो हैं वो हमारी टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर की पॉसिबल आउटकम्स हैं। क्या,
कि दोनों में हेड आ जाए या दोनों में टेल आ जाए, या हेड और टेल, या टेल और हेड। ठीक है, ठीक है, इतना ही है। देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। एक डाइस, डाई और डाइस एक ही बात होती है, प्लूरल फॉर्म है डाइस का। तो जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले आपके दिमाग में टोटल आउटकम्स होनी चाहिए। टोटल आउटकम्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर टोटल नंबर की बात करें, कितने नंबर्स हैं ये, तो टोटल आउटकम्स हो गई 6। ठीक है, अब हमसे उसने पूछा है कि क्या चांस, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर आने की क्या क्या आउटकम्स हैं? तो प्राइम नंबर, देखो, जो भी आउटकम आएगी वो इन टोटल में से ही आएगी। इस टोटल में से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं आप बताइए। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है। 3 ही प्राइम नंबर हमारे पास हैं, तो एक प्राइम नंबर के लिए कौन कौन सी आउटकम्स फेवरेबल हो जाएंगी मेरे लिए? 2, 3 और 5। एक प्राइम नंबर बेस्ड ये सारे आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं जब एक डाई को थ्रो किया जाएगा। अब नॉट अ प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा? इनके अलावा वाले सारे नंबर्स, मतलब कि 1, 4 और 6, जो कि प्राइम नंबर्स नहीं है, तो वो आउटकम्स इसके लिए फेवरेबल हैं, इस इवेंट के लिए। ऐसे ही अ नंबर ग्रेटर देन 5 की बात करें, तो 5 से बड़े यहाँ पर कितने नंबर हैं? 5 से बड़े, 5 या 5 से बड़े नहीं, ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से बड़े। तो 5 से बड़ा सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 6। तो इसके लिए जो हमारी आउटकम बनती है वो है 6। ऐसे ही नॉट ग्रेटर देन 5 की बात करें, वो नंबर्स जो 5 से बड़े नहीं हैं, तो 1 5 से बड़ा नहीं है, 2 5 से बड़ा नहीं है, 3 और 4 भी 5 से बड़े नहीं हैं। इनफैक्ट 5 खुद भी 5 से बड़ा नहीं है, 5 5 के बराबर है पर उससे बड़ा नहीं है, तो इसमें 5 भी आएगा। तो अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 की बात करें, तो कौन कौन से नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 हैं जो हमें हमारी आउटकम्स में से मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बस वो आउटकम बतानी थी जो इस इवेंट को सेटिस्फाई करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इसी पे बेस्ड है, इसलिए 3, 4, 5 के पहले 6 यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। उसमें उसने हमसे इन चारों इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा है। तो फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हम लोग बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी हैं? 3। और वो 3 क्या क्या हैं? 2, 3 और 5। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गई 3, और टोटल आउटकम्स भी हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं जो कि हैं टोटल 6। तो फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई एक प्राइम नंबर आने की? 1/2। ऐसे ही अगर बी वाले केस की बात करें, तो यहाँ पर हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी हैं? 1, 2 और 3। 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे पास, और टोटल आउटकम्स मैंने आपको बताया था हमेशा सेम रहेंगी, तो 3/6। इसको भी कैंसिल करके आप 1/2 लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके। ऐसे ही इस वाले केस की बात करें, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है मेरे पास? सिर्फ एक नंबर है, 6, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि एक ही नंबर है और टोटल सेम रहती है, तो इसकी हो गई 1/6। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 5 और टोटल हो गए, टोटल आउटकम्स हो गई 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, दोनों इन्हीं इवेंट्स पे बेस्ड थे, इसीलिए हमने दोनों को साथ में कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। ये वही क्वेश्चन नंबर 1 वाला पॉइंटर है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक पॉइंटर डी पे स्टॉप हो। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब पॉइंटर कहाँ कहाँ स्टॉप हो सकता है। हमें डी से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, कहाँ कहाँ स्टॉप हो सकता है वो देखो। तो इस ए पे स्टॉप हो सकता है, इस ए पे स्टॉप हो सकता है, बी पे स्टॉप हो सकता है, सी पे स्टॉप हो सकता है, या डी पे स्टॉप हो सकता है। तो जो भी पॉइंटर इसका होगा वो अलग अलग 5 जगह स्टॉप हो सकता है, इस ए पे और इस ए पे। इन दोनों को आप एक नहीं जोड़ोगे जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग रुकेगा। ऐसा नहीं है कि इस ओ पे रुक, इस ए पे या इस ए पे रुके, वो एक ही बात है। यहाँ पे रुकने के भी उतने ही चांसेस हैं जितने यहाँ पे रुकने के हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे इस केस में?
टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 5। पॉइंटर हमारा 5 जगह रुक सकता है। अब क्वेश्चन कहाँ पे रुकवाना चाह रहा है, क्वेश्चन डी पे रुकवाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा रहा है। तो डी पे रुक, देखो कब कब रुक सकता है, सिर्फ एक ही बार रुक सकता है, ये डी बना हुआ है यहाँ पे रुक जाए, और कहीं तो डी है नहीं, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही अगर ए की पूछ लेता तो फेवरेबल आउटकम 1 की जगह 2 हो जाता, क्योंकि ए पे कैसे कैसे रुक सकता है, दो तरीकों से रुक सकता है, एक तो इस ए पे रुक जाए या फिर इस ए पे रुक जाए। तो डी के केस में या बी और सी भी होता तो इन तीनों केस में फेवरेबल आउटकम से 1 है, क्योंकि ये एक ही बार अकर हो सकता है इवेंट। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब जितने लोगों ने भी आप में से कार्ड्स कभी नहीं खेले हैं या हिंदी में खेले हैं चिड़ी पान ईंट हुकुम, तो उनको इंग्लिश में भी कार्ड्स के नाम और सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 52 कार्ड्स होते हैं जो कि 4 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड होते हैं। पहली कैटेगरी होती है क्लब, ठीक है, ये कुछ ऐसी दिखती है ब्लैक कलर की, हिंदी में इसको कुछ लोग अलग अलग वैसे तो नाम होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको चिड़ी भी बोलते हैं। हालांकि हम हिंदी की कोई डिस्कशन करेंगे ही नहीं, हम लोग सिर्फ इंग्लिश की बात करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो पहली कैटेगरी जो कुछ ऐसी दिखती है इसको हम क्लब बोलते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं एस, ये दोनों ब्लैक वाली कैटेगरीज में आपको बता रहा हूँ। एस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, एस भी ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक कलर का जो ऐसा फिगर दिखता है उसको हम लोग एस बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है हार्ट, दिल कौन से कलर का बनाते हैं हम हमेशा, रेड कलर का, तो जो रेड कलर का ऐसा दिखता है पान के पत्ते जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। और चौथी कैटेगरी होती है डायमंड या फिर ब्रिक, वैसे आपको डायमंड ही देंगे बट हो सकता है ब्रिक भी बोल दें कहीं कहीं पर। तो चौथी कैटेगरी होती है डायमंड या ब्रिक कलर की, ब्रिक की, ये रेड कलर का होता है और कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इस तरफ वाली ये दोनों जो हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं, इस तरफ ये दोनों जो हैं ये रेड कलर के होते हैं। ब्लैक और ऐसा दिखने वाले को आप क्लब बोलोगे, ब्लैक एस, रेड हार्ट, रेड डायमंड या फिर ब्रिक। तो इन चार कैटेगरीज में हम लोग टोटल 13 कार्ड्स देते हैं सबको, 13 क्लब के कार्ड्स, 13 एस के, 13 हार्ट के और 13 डायमंड के। ये 13 कार्ड्स क्या होते हैं, देखो 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो 9 कार्ड्स तो ये हो गए टोटल, 1 नहीं है इसमें, तो 9 कार्ड्स तो टोटल ये होते हैं, छोटे पत्ते बोले जाते हैं जो, छोटे कार्ड्स। ठीक है, इसके अलावा 4 और होते हैं कार्ड्स हमारे पास, एक तो होता है, अच्छा इसको एस नहीं बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी, इसको स्पेड बोलते हैं। अब इन 9 कार्ड्स के अलावा 4 कार्ड्स और होते हैं हमारे पास, क्योंकि मैंने बताया 13 कार्ड्स सबको दिए जाते हैं और तभी 52 बनेंगे, 13 इसके 13 इसके 13 इसके और 13 इसके, तो टोटल 52 कार्ड्स बनेंगे। अब इन नंबरिंग वाले कार्ड्स के अलावा, ये नंबर्ड कार्ड्स होते हैं, इनको नंबर्ड कार्ड्स भी बोलते हो आप, जिन पे नंबरिंग की गई है, इसके अलावा आपके पास 4 कार्ड्स और होते हैं। एक होता है एस, ठीक है, इस पे सिर्फ ए लिखा होता है, ठीक है, 1, 2, 3 कोई भी नंबर नहीं लिखे होने की जगह ए लिखा होता है। इस एस के अलावा और 3 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, उसको फर्दर हम लोग एक कैटेगरी में डाल देते हैं, फेस कार्ड्स। उनको हम फेस कार्ड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन पे फेस बना हुआ होता है। वो कार्ड्स होते हैं जे, क्यू और के। के से किंग बोल दिया जाता है कि ये वाला कार्ड जो है वो किंग है, क्यू से क्वीन बोल दिया जाता है, ये क्वीन का कार्ड है, और जे से जैक बोल दिया जाता है, ये जैक का कार्ड है। इन तीनों को हम लोग फेस कार्ड्स क्यों बोलते हैं, रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इन पे एक फेस बना हुआ होता है। ठीक है, तो 9 हमारे पास हो गए नंबर्ड कार्ड्स, जिस पे 2 से लेके 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, 1 पे 2, 1 पे 3, 1 पे ऐसे ही लेके 10 तक, ऐसे ही। इसके अलावा 4 कार्ड्स और होते हैं हमारे पास, एक तो एस जिसको इक्का बोलते हैं सब लोग, और 3 फेस कार्ड्स, जैक, क्वीन और किंग। तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है एक एस आने की, जब भी हम लोग 52 कार्ड्स को शफल करके उसमें से कोई भी एक कार्ड निकालेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज़ टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालनी है आपको। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 52 में से आप कोई भी कार्ड खींचोगे, मतलब आप 52 अलग अलग कार्ड्स खींच सकते हो, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इस केस में हो गई 52।
आप कोई भी कार्ड निकाल सकते हो। आपको पूछी गई है प्रोबेबिलिटी एस आने की, तो एस मेरा फेवरेबल आउटकम हो गया। एस आने के क्या चांस हैं? अब देखो, एक किसी भी जो पूरी गड्डी होती है कार्ड्स की, ताश की, उसमें कितने एस होते हैं? चार एस होते हैं, एक क्लब का, एक स्पेड का, एक हार्ट का और एक डायमंड का। तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? चार, क्योंकि उसने हमें ये नहीं बोला है कि आप क्लब का ही एस निकालो या आप स्पेड का ही एस निकालो। उसने हमसे कहा है आप कोई सा भी एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल कितने एस होते हैं? चार। तो वही हमारी फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। अगर वो मुझसे बोलता कि आप क्लब का एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्लब का सिर्फ एक ही एस होता है, फिर हम बाकी सारे एस इक्के को नहीं देखेंगे, सिर्फ क्लब वाले एस को देखेंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1/52 हो जाती। बट अभी उसने इन जनरल एस बोला है और चार एस होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 4/52 है। इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हो आप, 4 × 1 = 4 और 4 × 13 = 52, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/13। इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना मत, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आएंगे अगले 5-6 साल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, एक रेड एप्पल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये यहाँ पर एप्पल्स बने हुए हैं, जी मतलब ग्रीन है, आर मतलब रेड है। तो देखो टोटल कितने एप्पल्स हैं? 7 एप्पल्स हैं, तो मेरे टोटल आउटकम क्या हो जाएगी? 7। अब इसमें से रेड एप्पल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, तो मेरी फेवरेबल आउटकम क्या हो गई? 4 हो गई। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम ही मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एक नई चीज़ आपको सीखने की मिली कार्ड्स के बारे में। सामने है नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 separate slips, तो 10 ऐसी छोटी छोटी पर्चियाँ बनाई गई। बचपन में आपने पर्ची के गेम बहुत सारे खेले होंगे, अभी भी बचपन ही है वैसे तो। तो उन 10 पर्चियों पे 1 से लेके 10 तक अलग अलग पर्ची पे अलग नंबर, एक पर्ची पे 1 लिखा, एक पे 2 लिखा, एक पे 3, ऐसे 10 slips पे 10 अलग अलग नंबर लिख दिए गए और उन्हें एक बॉक्स में डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया गया। उसके बाद उसने हमसे कहा 1 slip इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। बिल्कुल उस गेम की तरह है जैसे हम लोग खेलते थे, ऐसे हाथ में मिक्स करके ऐसे छोड़ देते थे और फिर एक एक स्लिप सब लोग उठा लेते थे रैंडमली, हमें नहीं पता होता था हम कौन सी स्लिप उठा रहे हैं। तो ऐसे ही उसने स्लिप पे, जैसे आप अलग अलग चीज़ें लिखते थे जो भी गेम खेलते थे उसके अकॉर्डिंग, 1 से 10 तक नंबर्स लिख दिए और रैंडमली एक स्लिप उठा ली। अब उसने हमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्लिप हमने उठाई है वो उस पर नंबर जो लिखा है वो 6 हो। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स सोचो क्या क्या हो सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 नंबर्स आ सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या फिर 10। और अगर संख्या ओवरऑल टोटल क्वांटिटी वाइज बात करें तो ये कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर्स हैं सारे। तो ओवरऑल 10 नंबर्स अलग अलग आ सकते हैं, और वो क्या हैं 10 नंबर्स? ये हो गए मेरे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब 6 आ जाए उसने हमसे पूछा, तो यहाँ पर 6 कितनी बार लिखा है? 6 एक बार लिखा है, तो 6 मतलब फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? सिर्फ एक बार लिखा हुआ है 6, तो 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या थी? 10 थी, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/10। ऐसे ही उसने हम, अच्छा देखो प्रोबेबिलिटी जब भी निकालेंगे टोटल आउटकम तो सेम रहेगी हमेशा, तो हमेशा नीचे तो 10 लिख ही लो। अब उसने हमसे पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास? 1 लेस देन 6 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। तो 5 नंबर्स ऐसे हैं जो मेरे फेवरेबल आउटकम्स वाले को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्वांटिटी वाइज 5 नंबर्स ऐसे हैं जो 6 से छोटे हैं, वही मेरे फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो 6 से छोटे नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी 5/10, या फिर इसको 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 करके सिंप्लीफाई करके प्रोबेबिलिटी लिख दी 1/2। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े कितने नंबर्स हैं? 7, 8, 9 और 10, 4 नंबर्स जो हैं 6 से बड़े हैं, तो ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, मतलब 4/10। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये आ जाएगा 2/5। लास्ट पार्ट है गेटिंग अ वन डिजिट नंबर। वन डिजिट नंबर मतलब 1 से लेके 9 तक, 0 से 9 तक जो नंबर्स होते हैं वन डिजिट होते हैं, उनमें एक ही डिजिट होती है। 10 में 2 डिजिट्स हैं, 1 और 0, तो 1 से लेके 9 तक ये पूरे 9 नंबर्स जो हैं ये वन डिजिट नंबर हैं, और हमसे वन डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 9 हो गए। टोटल आउटकम्स 10 ही रहेंगे, टोटल आउटकम्स हमेशा सेम रहते हैं।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 9/10। सब चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको अच्छे से समझना है कि टोटल आउटकम क्या है, सारे आउटकम्स और फेवरेबल मतलब जो मुझसे क्वेश्चन में बोल रहा है, जो मुझे चाहिए है, वो आउटकम्स कौन कौन से हैं। ये दो चीज़ें समझ आ गई, क्वेश्चन ख़त्म है। देखिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, वैसे लास्ट तो क्वेश्चन 6 था बट 6 हम पहले ही कर चुके हैं, तो अब यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू सेक्टर। ठीक है, अब क्या है, बात स्पिनिंग व्हील की हो रही है बट इस बार उसने हमें बना के नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, हम खुद बना लेंगे। ये बन गया हमारा स्पिनिंग व्हील। उसने हमें बताया है 3 ग्रीन सेक्टर हैं, 1 ब्लू सेक्टर है और 1 रेड सेक्टर है। टोटल कितने हो गए, 5 सेक्टर्स हो गए। तो 5 सेक्टर्स आप ड्रॉ कर लेंगे इसमें। सबसे पहले तो सेंटर से सेक्टर ड्रॉ होगा, तो 5 सेक्टर्स रैंडमली आपने ड्रॉ कर लिए हैं ऐसे। 5 सेक्टर्स कैसे डिवाइडेड हैं, 3 ग्रीन हैं, 3 में आप जी लिख दो, 1 ब्लू है, 1 में ब्लू लिख दो, 1 रेड है, 1 में रेड लिख दो। उसने हमसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। सबसे पहले देखो, जब भी कोई पॉइंटर इसमें होगा ऐसे पॉइंट करने वाला, तो वो कहाँ कहाँ पे रुक सकता है, इस ग्रीन पे, इस ग्रीन पे, इस ब्लू पे, इस रेड पे या फिर इस ग्रीन पे। टोटल 5 अलग अलग जगहों पर रुक सकता है, तीनों ग्रीन सेम नहीं है क्योंकि अलग अलग जगह पर बने हुए हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे, 5 हो जाएंगे क्योंकि ये 5 अलग अलग जगह रुक सकता है। अब पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, ग्रीन कलर आने की निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन कलर, तो ये क्या हो जाएगी, टोटल तो 5 रहेगा और फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, जहाँ जहाँ से ग्रीन आ सकता है, यहाँ से और यहाँ से, 3 जगह से ग्रीन आ सकता है, तो 3 हमारा फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन इज 3/5। फिर हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू सेक्टर, देखो टोटल आउटकम्स तो अभी भी 5 हैं, कहीं पे भी रुक सकता है। ब्लू कब कब आ सकता है, ब्लू एक ही बार आ सकता है जब इस ब्लू पे आके पॉइंटर रुक जाए, तो फेवरेबल आउटकम्स टोटल कितनी हो गई, 1। तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग ये चैप्टर करते हैं फिनिश, और अब हम लोग 5 चैप्टर्स अच्छे से फिनिश कर चुके हैं। बिल्कुल कोशिश करी है मैंने कि बेसिक से स्टार्ट करूं इस चैप्टर के लिए भी। आपने बोला था कि आपको प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना आता है, तो उसकी एक वीडियो अलग से बनाई गई, और होपफुली अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आता होगा। कुछ भी इस चैप्टर में नहीं समझ आता हो तो आप अपने डाउट कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर बता सकते हैं। अब अगली क्लास से, जो कि मंडे को होगी, ऑब्वियसली कल नहीं होगी, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 स्क्वायर्स से रिलेटेड है, शायद आपके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, आप इन जनरल पहले से भी इसको पढ़ रहे हो अपनी कैलकुलेशंस इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो 5 चैप्टर्स हो चुके हैं 16 में से, 30% से ज़्यादा सिलेबस हम लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, बचा हुआ 70% भी बहुत जल्दी कर देंगे। तो वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, ताकि सब लोग यहाँ से फ्री में और अच्छे से पढ़ पाएँ। थैंक यू।